है कि एक महिला ने इंस्टाग्राम पर अपना वीडियो शेयर किया और उसमें उसने बताया कि इस तरह की करोड़पति हस्बैंड ने उसके ऊपर पाबंदियां लगा रखी हैं। इन नियमों में पति के हिसाब से मैचिंग कपड़े पहनना शामिल भी था। उसने वीडियो में महिला ने बताया कि उसे काम करने की इजाज़त नहीं दी गई। इसके अलावा उसे पुरुषों से दोस्ती करना भी अनुमति नहीं दी गई। 26 साल की इस सऊदी महिला का नाम सऊदी अल नागत है और इस वीडियो के कुछ दिन पहले ही इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया था। इस वीडियो को 52,000 से ज़्यादा लाइक मिले थे जबकि 3.5 मिलियन लोगों ने इसे देखा था। इस वीडियो को देखने वालों ने कमेंट में हैरानी जताई कि सऊदी अल नादक अक्सर ऑनलाइन अपने लाइफस्टाइल के बारे में बताती रही हैं और उसने अपनी ताज़ा वीडियो में महिला ने बताया कि कैसे उसके पति उसके ऊपर शासन करते हैं और महिला ने बताया कि उसके पति ने कुछ प्रेफरेंस तय कर रखी हैं। इसके मुताबिक उसे अपने जूतों से मैच करते हुए अपना बैग पहनना होता है। इस महिला के मुताबिक करोड़पति हस्बैंड उसका पूरा खर्च चलाता है और कुछ भी काम करने की इजाज़त नहीं देता। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे खाना भी नहीं बनाना होता और वो लोग रोज़ बाहर ही खाना खाते हैं। उसे रोज़ अपने बाल और मेकअप प्रोफेशनल से स्टाइल कराना पड़ता है, वो खुद स्टाइल नहीं कर सकती। इसमें एक बड़ा नियम ये भी है कि उसे पुरुषों से किसी तरह की दोस्ती नहीं रखनी। वो लिखती हैं कि आप मुझे सॉडल कहते हैं और कहते हैं कि आप इतनी अच्छी लगती हैं क्योंकि मैं अपने पति की राजकुमारी हूँ। इस पर एक यूज़र ने लिखा कि पैसे से खुश नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन खुश आपको अपने दिल से होना होता है। लेकिन अगर आप पैसे के साथ साथ खुश भी हैं तो फिर आपको बधाई हो। वहीं एक अन्य यूज़र ने लिखा कि हमें तो पता है कि आपके हस्बैंड आपको कंट्रोल कर रहे हैं, वो आपके ऊपर भरोसा भी नहीं कर रहे, वो आपको खुलकर जीने भी नहीं दे रहे, ये कैसी पाबंदियाँ हैं। एक अन्य यूज़र ने कमेंट में लिखा कि क्या आपके सोचने और अपने विचार रखने भी आज़ादियाँ नहीं हैं? आप अपनी आज़ादी कहाँ इस्तेमाल करेंगे अगर आप अपने विचार भी नहीं रख सकते? अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाना, ये बोरिंग होगा और आपको बोरिंग नहीं लगता तो ये अजीब है। उसने ये भी पूछा कि क्या आपको तलाक के बाद कुछ मिलेगा या फिर कुछ भी नहीं। ये इन्फ्लुएंसर अक्सर अपनी शॉपिंग और ट्रैवल के एक्सपीरियंसेस को शेयर करती रही हैं और हालांकि अपने धन का प्रदर्शन को लेकर अक्सर उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। अब मानने की बात तो ये है कि सऊदी मात्र 6 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ दुबई शिफ्ट हो गई थी। यहीं पर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान 8 साल पहले उसने अपने पति जमाल अल नागत से मुलाकात की। 3 साल पहले दोनों की शादी हो गई। शादी से पहले दोनों ने अपने अपने रूल्स बना लिए थे और ये बता दिया था कि दोनों ही ऑपोजिट सेक्स से दोस्ती नहीं करेंगे। उन्होंने एक दूसरे से पासवर्ड्स भी शेयर करने होंगे और अपनी लोकेशन भी हमेशा शेयर करते रहना होगा। अब आपको ये सब सुनकर क्या लगता है कि इतनी पाबंदियाँ ज़िंदगी में काम करेंगी या फिर एक दूसरे पर बोझ बन जाती हैं? ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।